बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार, आप सबको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आरके नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर साथियों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुस्तक का रिव्यू हम करने वाले हैं, वो है विपिन चंद्रा की साथियों, जो कि आधुनिक भारत का इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है साथियों। इस गाइड में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं, किस प्रकार से समझाया गया है, वो पूरी जानकारी लेने से पहले साथियों, इस पुस्तक का रिव्यू करने से पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी और देना चाहता हूं, जो कि है आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम। इस पुस्तक का रिव्यू इससे पहले मैं कर चुका हूं, आशा करता हूं साथियों वो वीडियो आपने प्लेलिस्ट से जरूर देखा होगा। और इसके साथ में साथियों एक हमने विश्व का इतिहास जो कि महेश कुमार वर्णवाल की है, इसके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। और उसके बाद साथियों महेश कुमार वर्णवाल की ये इतिहास की पुस्तक और किरण पब्लिकेशन की ये जो पुस्तक है भारतीय इतिहास, इन सब पुस्तक का रिव्यू हो चुका है, आशा करता हूँ आपने प्लेलिस्ट से उन वीडियो को ज़रूर देखा होगा। अब साथियों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए साथियों यहाँ पर एक प्यारी सी गाइड है डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की, स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट। इसको पढ़ने के बाद साथियों आप समय का सही तरीके से सदुपयोग करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। अब साथियों ये जो विपिन चंद्रा की आधुनिक भारत का इतिहास, हम इस पुस्तक का रिव्यू करने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी और देता हूँ, ये है साथियों दिशा पब्लिकेशन की, जिसके अंदर 10,000 प्लस महत्वपूर्ण एमसीक्यूज दिए गए हैं। इनको पढ़ने के बाद, ये लेटेस्ट वर्जन है 2021 का, और इसको पढ़ने के बाद साथियों आपका किसी भी वनडे एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर बार बार रिवीजन करके गए एग्ज़ाम में जाने से पहले साथियों, आप किसी भी गाइड को जो आप पढ़ रहे हो उसको कम से कम 5 से 7 बार अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अगर गलत होगा तब भी साथियों आपका सिलेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको अगर पेपर आपको दे दिया जाए कि आप घर पे ले जाओ और फिर उसको पूरा हल कर दो, तो मेरे ख्याल से 100% हल कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसी प्रकार के होते हैं। इसलिए साथियों आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपकी सफलता सुनिश्चित करनी है, वो साथियों इन प्रत्येक गाइड को पढ़ने के बाद में आप सफल हो सकते हो। एक और महत्वपूर्ण गाइड है साथियों, ये है सामान्य अध्ययन पेपर 1, यह है दोस्तों 2021 लेटेस्ट वर्जन मनोहर पांडे का, आर्यन पब्लिकेशन, काफ़ी बड़ी पुस्तक है। इसके अंदर प्रत्येक विषय जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उनसे संबंधित पूरी जानकारी इस पुस्तक में दी गई है, इसका भी रिव्यू आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। अब साथियों शुरू करते हैं वही पुस्तक जिसको शुरुआत में मैंने दिखाया था, विपिन चंद्रा की। यह है साथियों आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण और प्यारी विश्वसनीय गाइड। इसके अंदर आपको क्या क्या टॉपिक मिलने वाले हैं पढ़ने के लिए, वो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इससे पहले साथियों आप हमारे इस चैनल पर जितने भी वीडियो है, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे इकोनॉमी हो या फिर किसी और प्रकार का, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बुक रिव्यू का वीडियो ज़रूर देख लीजिए। अब साथियों इस पुस्तक में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं वो जानकारी मैं आपको देता हूं। 18वीं सदी में आप पढ़ेंगे तो साथियों भारत में राज्य और समाज के बारे में यहाँ पर इस गाइड में विस्तार के साथ दिया गया है। और उसके बाद में साथियों भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है उसको विस्तार के साथ समझाया गया है। यहाँ पर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जो आर्थिक नीतियाँ हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार का था उस समय भारत के अंदर, वो भी पूरी जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। और उसके बाद में साथियों यहाँ पर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य जो 1757 से 1857 तक, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक संगठन
सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियाँ कैसी थी उसके बारे में विस्तार के साथ इस गाइड में दिया गया है साथियों जानकारी। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जो जागरण हुए हैं उनके बारे में पूरी जानकारी दी गई है साथियों। 1857 का जो विद्रोह हुआ है उसके बारे में विस्तार के साथ इस गाइड में जानकारी दी गई है। 1858 के बाद में जो प्रशासनिक परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में भी साथियों इस गाइड में विस्तार के साथ जानकारी दी गई है। ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव जो हुआ है भारत में उसके बारे में जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। उसके बाद साथियों आप यहां पर देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि 1858 से लेकर 1905 के मध्य जितने भी चले उनके बारे में जानकारी दी गई है और धार्मिक और सामाजिक जो सुधार है उसके बारे में जानकारी दी गई है विस्तार के साथ। साथियों राष्ट्रवादी आंदोलन जिसके अंदर साथियों उग्रवाद का विकास उसके बारे में जानकारी इस पुस्तक में दी गई है आपके लिए। स्वराज्य के लिए संघर्ष पार्ट 1 और संघर्ष पार्ट 2 दोनों यहां पर विस्तार के साथ समझाया गया है इस पुस्तक में। उसके बाद में साथियों मानचित्र के बारे में विस्तार के साथ यहां पर दिया गया है। अब साथियों मानचित्र इसमें जो दिया गया है उसको अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ते हैं अच्छे से समझते हैं तो आपका कोई भी टॉपिक जो भी आज तक आपको समझ में नहीं आया है अगर मानचित्र के साथ समझें चाहे वो ज्योग्राफी हो चाहे हिस्ट्री हो तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद में साथियों यहाँ पर मानचित्र जो 1705 में भारत में यूरोपीय कंपनियों का व्यापारिक जो प्रमुख केंद्र थे उनके बारे में जानकारी दी गई है और उसके बाद में मानचित्र 1765 में भारत की क्या स्थिति थी 1765 के बारे में 1805 का मानचित्र 1857 का मानचित्र बर्मा का जो अधिग्रहण है उसके बारे में कांग्रेस अधिवेशन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। आशा करता हूँ साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और अगर आपको लगा कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी तो आप दूसरे भाई बहनों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। आशा करता हूं साथियों आप एक नई जोश नई उम्मीद के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक साथियों अच्छे से नए जोश के साथ आप पढ़ते रहिए लगन के साथ में लगे रहिए साथियों सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।